ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत खबरों के सिलसिले तोर दें अगे। बजट सैशन तो पहला ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो इस मीटिंग दौरान बंदी सिंह की रिहाई का मुद्दा भी गूंजता विखाई दिता। जहाँ हरसिमरत कौर बादल ने तुरंत सजावं पूरी कर चुके बंदी सिंह की रिहाई की मंग ऑल पार्टी मीटिंग चुकी। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों कातलों तो पैरोल दी जा रही ने पर बंदी सिंह की रिहाई का वादा हाले तक पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि राम रहीम नूं वार वार पैरोल दिते जाने नाल फिर को कुड़त्तन पैदा हो रही है। पाकिस्तान के नाल सिंधु जल समझौते की तर्ज से पंजाब तो खोए गए पानी की भी समीख्या की मांग हरसिमरत कौर बादल ने चुकी। उन्होंने कहा कि रायपेरियन राइट्स नूं अणदेखिया करके पंजाब तो खोया गया पानी पंजाब नूं वापस मिलना चाहिए। इस दे नाल ही उन्होंने MSP ते केंद्र वालों बनाई कमेटी रद्द करन दी मंग चुकी। उन्होंने कहा कि नवीं कमेटी बनाई जानी चाहिए है। सरकारी कमेटी च किसानों की नुमाइंदगी ना होने का हवाला हरसिमरत कौर बादल देंदे विखाई दिते। तो तस्वीर तुम वेख पा रहे हो बजट तो पहला ऑल पार्टी मीटिंग की रवायत। तो इस ऑल पार्टी मीटिंग दे विच जिथे हरसिमरत कौर बादल ने वख-वख मुद्दे चुके उत्थे खास तौर पर उचेचे तौर पर उन्होंने बंदी सिंघां दी रिहाई का मुद्दा भी चुकया। उन्होंने कहा कि राम रहीम नूं तां बलात्कार का दोषी होने के बावजूद बार बार पैरोल मिल रही है पर बंदी सिंघां नूं सजावां पूरियां होने तो बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा। नाल ही पंजाब के पानिया का मुद्दा भी वो चुकते विखाई दिते। एक देश में एक कानून हर एक के लिए होता है लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसे लग रहा है कि जैसे एक कम्युनिटी के लिए एक कानून है और सिखों के लिए दूसरा कानून है। एक तरफ तो जहां पे रेपिस्ट को मर्डरर्स को परोल पे ऊपर परोल फरलो मिल रही है रिमिशंस मिल रही हैं, दूसरी तरफ जो सिख बंदी सिंह जो 30-30 साल से जेलों में कैद हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने खुद 550 साल गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे उनको रिहा करने का वादा सिख कम्युनिटी के साथ किया था, उन लोगों को तो एक दिन की परोल नहीं मिली है। अपना जेल टर्म कंप्लीट एक बार ही नहीं दो बार ही कर चुके 30-30 साल से वहां पे वो सड़ रहे हैं, तो उनको तो छोड़ा नहीं जा रहा है। उनको तो कह रहे हैं दे आर अ थ्रेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, सरकार ऐसे बोलती है। और दूसरी तरफ से जो पॉलिटिकल फायदा दे सकते हैं चाहे वो कन्विक्टेड रेपिस्ट और मर्डरर्स जो जेल टर्म सर्व कर रहे हैं उनको हर 20-30 दिन बाद उनको फरलो और परोल मिल रहा है, तो सीधे सीधे उनको अब जिस तरह से वर्चुअल तरीके से सत्संग हो रहा है सरकारी फंक्शंस के लिए रूलिंग पार्टी उनको इनवाइट कर रही है, तो क्या संदेश आप भेज रहे हैं कि रेपिस को रूलिंग पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो कहां गया फिर आपका ये सोच है कि क्या आपकी सोच है। और दूसरी तरफ पंजाब में आप एक कम्युनल डिसहार्मनी को स्प्रेड करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो एक तो मैंने ये रेज किया। दूसरा मैंने ये रेज किया कि जब आप पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने के बारे आप बात कर रहे हैं तो जरा पंजाब के साथ भी जो रिपेरियन प्रिंसिपल में जो हमारे साथ धक्का कांग्रेस पार्टी ने करके हमारा पानी जिसके ऊपर सिर्फ हमारा राइट है दूसरे राज्यों को दे दिया तो वो SYL का उसको भी रीनेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारी पंजाब की सरकार तो इतनी कॉम्प्रोमाइज हो गई है अपने हाई कमांड के नीचे कि वो हमारे स्टेट्स को सेफ पानी को सेफ गार्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बॉस ने सरकार के CM के बॉस ने बोला कि ये पंजाब का पानी दूसरे राज्यों में जाना है क्योंकि वहां से उन्होंने इलेक्शन लड़नी है। और तीसरी जो किसानों की MSP की कमेटी आपने बनाई है, किसानी आंदोलन उठाने के टाइम प्रधानमंत्री ने जबान दी थी, उस कमेटी को आप रद्द करें और एक नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें और जो आपने वादा किया था कि स्टैचुरी राइट MSP को बनाया जाएगा वो वादा किसानों के साथ आप पूरा करें। इस दे नाल ही बुलेटिन च फिलहाल वेला हो गया एक नज़र सुर्खियां ते पाउण दा, वेखते हैं की कहिंदियां ने इस वेले दियां हैडलाइन।